क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फर्स्ट दो बहनों की कथा लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 1 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसमें आप लिखेंगे कि उपरोक्त कथन के माध्यम से मोती के परोपकारी आशावादी एवं ईश्वर पर अटूट विश्वास का भाव मिलता है। विपरीत स्थिति में भी वह निराश नहीं है, इसलिए निरीह एवं विकट में फंसे जानवरों की वह मदद करता है। प्रश्न संख्या 9 है, आशा स्पष्ट कीजिए। इसमें दो पार्ट है, क और ख। पहला प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई युक्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य उनसे वंचित है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि उपप्रस्तुत प्रसंग में हीरा और मोती आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे के मन के भाव को जान जाते थे, जबकि मनुष्य अन्य जीवों में श्रेष्ठ होने का दावा करता है, इससे वंचित है। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य एक दूसरे के मन की बात जानने के कमी के कारण उनसे पिछड़ गया। प्रश्न ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है, जब छोटी लड़की उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी तो छोटी लड़की के प्रेम को देखकर दोनों का हृदय संतुष्ट हो जाता कि यहाँ पर भी उनका कोई देखभाल करने वाला है। प्रश्न 10 है, आचरण वह आप खुद कहेंगे। प्रश्न 11 है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसमें आप लिखेंगे कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और प्रताड़ना सही, जो कि उचित था। गया ने बैलों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया था, वह जानवरों तो क्या किसी भी अन्य पशुओं के लिए अनुचित एवं अतार्किक था। उसके द्वारा किया गया यह दुर्व्यवहार वास्तव में विरोध की कायर था, इसलिए हीरा और मोती ने जो कुछ भी किया वह उचित था। प्रश्न 12 है आपका, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? इसमें आप लिखेंगे कि हाँ, यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। इसमें काजी हाउस अंग्रेज के जेल का तो दढ़िया व्यक्ति अंग्रेजों का प्रतीक है, वहीं पर हीरा और मोती स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतीक है, जो बार बार प्रताड़ना सहने के बावजूद भी विरोध करते हैं और अंततः अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। यह कहानी वास्तव में परोक्ष रूप में आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। धन्यवाद।